न शायरी लिखती हूँ न गज़ल लिखती हूँ ना ही नज़्म लिखती हूँ। न शायरी लिखती हूँ न गज़ल लिखती हूँ ना ही नज़्म लिखती हूँ। लिखने को तो सब लिख दूँ पर मरीज़ दिल हूँ हाल दिल लिखती हूँ। तो जिन लोगों को चाय पसंद होगी वो रिलेट करेंगे कि हमने उनसे मोहब्बत की थी, उन्होंने चाय से मोहब्बत की थी। हमने उनसे मोहब्बत की थी, उन्होंने चाय से मोहब्बत की थी। हमने चाय को लबों से लगा लिया, हमने चाय को लबों से लगा लिया, उन्होंने लबों पे लबों से मोहब्बत की थी। और एक शेर कुछ ऐसा है कि तेरे यूं करीब आने में डर लगता है, तेरे यूं करीब आने में डर लगता है, वो झुमका सजाने में डर लगता है। तेरे यूं करीब आने में डर लगता है, वो झुमका सजाने में डर लगता है, और कहीं दिल लगाने का बहाना ना बना लूँ तुझे, और कहीं दिल लगाने का बहाना ना बना लूँ तुझे, इसीलिए दिल लगाने से डर लगता है। और एक शेर है कि सुना है आजकल तुम मुझे सुनने लगे हो, सुना है आजकल तुम मुझे सुनने लगे हो, मेरी गलियों में दिखने लगे हो, और हसरतें औकात से ज़्यादा हो गई हैं तुम्हारी, और हसरतें औकात से ज़्यादा हो गई हैं तुम्हारी, मुझ पर शायरी लिखने लगे हो। और एक शेर था कि नक्श मेरे जिस्म पर उसके आज भी हैं, नक्श मेरे जिस्म पर उसके आज भी हैं, गिले शिकवे उससे मुझे आज भी हैं, और यूं तो अरसा बीत गया है उन बातों को, बीच की ये दूरियां कम ही नहीं हो रही, रात रात तो हो रही है मगर वो रात नहीं हो रही। और एक शेर है कि वो बेवफा है तो क्या हम वफादार बनेंगे, वो बेवफा है तो क्या हम वफादार बनेंगे, वो झूठ कहे तो क्या हम सच सुनेंगे, और उनको इश्क करना सिखाया था हमने, और उनको इश्क करना सिखाया था हमने, ये कल को उनके बच्चे सुनेंगे। और एक आखिरी शेर से ख़त्म करती हूँ कि उसे मोहब्बत समझकर मैंने मेरे दीदार का नजराना उसे पेश किया था, उसे मोहब्बत समझकर मैंने मेरे दीदार का नजराना उसे पेश किया था, मैंने उसकी सूरत से नहीं उसकी सादगी से इश्क किया था। शुक्रिया।